This is Akhilesh from Megatrace Technology Private Limited, Lucknow. स्टूडेंट ये लेक्चर सीरीज का .NET का ये पहला लेक्चर है। इसके लिए मैंने आपको ये इससे पहले एक वीडियो बना रखा जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग आपको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लेक्चर सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं सारी टेक्नोलॉजीज का। ओके, तो आपको इसमें लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा कि MVC ESP .NET MVC पे प्रोजेक्ट को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, मॉडल क्या है, व्यू क्या है, कंट्रोलर क्या है और किस डायरेक्टरी में आपको कौन सी फाइलें रखना चाहिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ESP .NET MVC क्या है। देखिए सबसे पहले ESP .NET जो थी पहले वो क्लासिक ESP के नाम से जानी जाती थी। क्लासिक ESP जी स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस, एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। आफ्टर दैट फिर आपका ESP आया, देन ESP .NET आया और इसे अपडेट करने के बाद ESP .NET MVC है, ठीक है। अच्छा, हर टेक्नोलॉजी में MVC का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आपकी जावा हो, चाहे वो PHP हो, चाहे वो आपका पाइथन हो, चाहे आपकी .NET। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एट ए टाइम पैरेलल सारे डेवलपर एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे आपको पता है जब भी हम लोग किसी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे डिजाइनर, प्रोग्रामर और डेटाबेस का जो वर्कर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोग मिलके काम करते हैं। पहले क्या होता था, अगर जैसे कोई डिजाइनर है, अगर वो सॉफ्टवेयर के UI को डिजाइन कर रहा है तो दो लोग आराम करते थे, प्रोग्रामर डेटाबेस जब आएगा तो काम करेंगे। सेम उसी प्रकार से जब डेटाबेस वाले के पास में वो जाता था थीम बनकर, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका स्कीमा वगैरह डिजाइन करके करता था, तो दो लोग, मतलब हर टाइम आपका जिसके पास जाता था तो सॉफ्टवेयर में एक तरीके समझ लो इंटरप्ट हो जाता था, रुकावट आ जाती थी। अब क्या है, सबका टास्क उसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो पैरेलल डेवलपमेंट के लिए MVC का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था। पैरेलल डेवलपमेंट का मतलब एक साथ सारे प्रोग्रामर काम कर सकते हैं। ओके ना, अब यहाँ पे आए और फिर हम लोग देखते हैं भाई MVC है क्या। देखिए MVC इज स्टैंड फॉर मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट, सॉरी कंट्रोलर, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। देखिए आप जब हम लोग डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा? कंट्रोलर, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर एक्शन, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन एक्शन, ठीक है, एक्शन मेथड। ये एक्शन मेथड क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पे हम लोग अपने लॉजिक लगाते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोलर इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अब देखिए .NET जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, बट सर ESP .NET MVC या ESP .NET केवल दो लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, विजुअल बेसिक एंड विजुअल C#। विजुअल बेसिक ईयर 2008 से माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने उस पर काम बंद कर रखा है, इसलिए उस पर जो डेवलपमेंट मैक्सिमम है
वो आपके किस पे हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट अब आपके ASP.NET सी फार्म पे किए जा रहे हैं। इस पे किए जा रहे हैं ASP.NET सी फार्म पे किए जा रहे हैं। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग पार्ट है। नंबर टू व्यूज, मतलब व्यू किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर डिजाइनिंग। मीन्स आपको कोई वेब पेजेस वी क्रिएट वेब पेजेस इनटू दिस सेक्शन। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नंबर थ्री मॉडल, मॉडल आपको पता है, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन एंटिटी। एंटिटी के लिए किसका यूज किया जाता है, मॉडल का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन एंटिटी। एंटिटी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसका यूज किया जाए। ठीक है, तो ये है मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब इसमें एक फाइल होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका नाम है कंटेंट, कंटेंट। तो देखिए कंटेंट फाइल का काम क्या है, इफ यू वांट टू ऐड स्टैटिक फाइल्स। अच्छा, स्टैटिक फाइल्स में कौन कौन सी आती हैं, CSS फाइल, JF फाइल और इमेजेस इनटू आवर प्रोजेक्ट, देन वी पुट अप दीज फाइल्स इनसाइड ऑफ दिस डायरेक्टरी। ओके ना, अगर आपको स्टैटिक फाइल्स लाइक एज CSS, JavaScript, इमेजेस, इस टाइप की फाइलों को अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने की जरूरत है तो हम लोग किस में रखेंगे, स्टैटिक फाइल्स के अंदर, सॉरी कंटेंट फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे आती है कि हम ASP.NET MVC पे प्रोजेक्ट बनाए कैसे। तो आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए, तो दो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको चाहिए होंगे, तो आप लिखें यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट ऑन ASP.NET MVC। फाइन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट ऑन ASP.NET MVC। सर नंबर वन विजुअल स्टूडियो, नंबर टू SQL सर्वर, मैनेजमेंट स्टूडियो, ये दो स्टूडियो चाहिए आप। और इससे पहले आप लोगों ने अगर जो .NET पे काम किया है तो आपके सिस्टम में दोनों सॉफ्टवेयर पड़े हो। जिसके पास में नहीं है, कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो, मैं आपको मेल के थ्रू या फिर WhatsApp पे, तो बहुत बड़ी फाइलें नहीं जा पाएंगी, तो आपको मैं इसे सेंड करूंगा, जिप बना के सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो या फिर आप ऑफिस आ सकते हैं, उसमें विजिट कर रही है और उसमें आपको जो पेन ड्राइव वगैरह में आप इन्हें सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं ये, और इसमें आपको कहीं कभी कभी आपको ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं परचेसेबल के लिए भी बोलता है, तो ये क्रैक वर्जन है, आप इन्हें डालिए आराम से चलाइए। तो दो सॉफ्टवेयर चाहिए। अब चलिए हम लोग आते हैं विजुअल स्टूडियो पे आते हैं, और इसमें मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट इज ASP.NET MVC, ASP.NET MVC आई कैसे, बनी कैसे, और MVC कॉन्सेप्ट है क्या, मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसके बाद हमने आपको प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर, चार मेन फाइलें हैं उनको समझाया, और देन अब हम लोगों को यहाँ पर क्या ज़रूरत है, प्रोजेक्ट डेवलप करने से पहले हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए, नंबर वन विजुअल स्टूडियो, नंबर दो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, ये दोनों सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, आपके पास अगर डेवलप किया होगा तो ये पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं, अभी आपको ये प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है या डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए आप,
विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। तो देखिए ये विजुअल स्टूडियो है और विजुअल स्टूडियो का 2012 वर्जन है। इसमें आपका पता है 19 विजुअल स्टूडियो 2019 और वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन, आप विंडोज जैमलिन मतलब मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मशीन लर्निंग, ये सारे एप्लीकेशन आपके उस पर क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे जाना है फाइल पे। देखिए प्रोजेक्ट कैसे ले रहे हैं, बहुत कंसंट्रेट होकर देखना है। फाइल पे गए, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, फिर फाइल पे जाएंगे और न्यू और प्रोजेक्ट पे लेंगे। क्या करेंगे, फाइल मेनू पे जाएं और न्यू पे गए और प्रोजेक्ट पे गए। अब एक विंडो खुल के आएगी। देखिए आप यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और ये न्यू प्रोजेक्ट के नाम से। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे हमें किस लैंग्वेज पे काम करना, विजुअल सी शार्प पे काम करना, ठीक है। और यहाँ पे हमने विजुअल सी शार्प को सेलेक्ट किया और वेब पे एक्सपेंड किया, वेब पे गए और उसके बाद में मैंने चूज किया ASP.NET MVC 4 वेब एप्लीकेशन, ASP.NET MVC 4 वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पूछ रहा नेम, प्रोजेक्ट का नाम हम क्या देना चाहते हैं। तो मैंने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा, इस समय मैं आपको सारी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, पाइथन को हम लोग जेंगो पे काम कर रहे हैं, जावा पे भी काम कर रहे हैं, PHP पे भी काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एक ही प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े। आपको सारी टेक्नोलॉजी पढ़ना है, आप सारी टेक्नोलॉजी पे आप काम करिए इम्प्लीमेंट, और अच्छी बात है। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट पे काम करें, है ना, मल्टी टैलेंटेड बनो भाई। तो यहाँ पे आए और मैंने इसका नाम दिया ई कॉमर्स पोर्टल। हम लोग ई कॉमर्स पोर्टल बनाए, उस पर हमने पाइथन पे भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसका भी लेक्चर जो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है आप लोग देख लीजिएगा, ई कॉमर्स पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे आए, हमने प्रेस किया ओके, आगे एक दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन। देखिए अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप किस टाइप का टेम्पलेट लेना चाहते हैं, किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो एम्पटी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी कोई भी फाइलें जो कि मॉडल्स, व्यूज, टेम्पलेट, कंटेंट, ये सारे कोई भी डायरेक्टरी नहीं मिलेंगी, सब आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग बेसिक सेलेक्ट करते हैं। बेसिक का मतलब है कि जो कुछ फाइलें हमारी ज़रूरत की हैं वो सारी फाइलें हमारी वहाँ पर आ जाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरनेट, इंट्रानेट, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब API, ये सारे वेब सर्विसेज, ये सारे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ASP.NET MVC रेजर इंजन को सपोर्ट करता है और AFPX दोनों को सपोर्ट करता है। तो आप जो सेलेक्ट करोगे AFPX तो इसका एक्सटेंशन होगा AFPX, अगर आप रेजर को सेलेक्ट करेंगे तो इसका एक्सटेंशन होगा जो लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी .html, ठीक है। ये जैसे cf.html, cf.html.cf.html.vb.html, इस टाइप ओके पर प्रेस करिए, ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करिए और ये प्रोजेक्ट जब क्रिएट होगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में दो फोल्डर होते हैं। कौन कौन से फोल्डर होते हैं अब यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ, हाउ वी कैन क्रिएट प्रोजेक्ट ऑन ऑन विजुअल स्टूडियो 2012, ठीक है। कैसे प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे, हाउ वी कैन क्रिएट प्रोजेक्ट ऑफ ASP.NET MVC ऑन विजुअल स्टूडियो 2012। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप फाइल पे जाएं, न्यू पे जाइए, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और ओपन विजुअल स्टूडियो, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा न्यू प्रोजेक्ट में, ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स,
ओपन डायलॉग बॉक्स, उसका नाम क्या होगा, न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट लैंग्वेज, एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ESP.NET MVC 4, मतलब इसका विजुअल स्टूडियो पर 4 एप्लीकेशन, वैसे 6.x वर्जन चल रहा है MVC का, इसमें लेटेस्ट वर्जन ESP.NET 4 वेब एप्लीकेशन, ठीक है, वेब एप्लीकेशन, ओके ना। तो सेलेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब आपको सी शार्प पे काम करना है, विजुअल बेसिक पे काम करना है, किस पे काम करना है, और आपको प्रोजेक्ट कौन सा लेना है, तो ये। आफ्टर दैट जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, नेक्स्ट, देन आपके सामने एक टेम्पलेट चूज करने के लिए जाएगा, टेम्पलेट विंडो ओपन हो जाएगी, और इसमें आपको बेसिक सेलेक्ट करना है, बेसिक टेम्पलेट, क्या सेलेक्ट करना है, बेसिक, और आफ्टर डेट आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहां जाएगा, आफ्टर दैट वी कैन सी आवर प्रोजेक्ट डायरेक्ट, अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी देख सकते हैं कौन कौन से फोल्डर बने। अच्छा, प्रोजेक्ट आपका जो बनेगा वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मिलेगा, ठीक है, कहां मिलेगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर किसके अंदर होता है, व्यूज के अंदर, मेनू ऊपर मिलेगा व्यूज। अब चलो इसको देख लेते हैं है कहां, ये मैंने आपको सारी चीजें लिख दी हैं, प्रोजेक्ट कैसे लेंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट जाएगा कहां, ठीक है। अब आप यहां पे जाइए विजुअल स्टूडियो पर, इसको ओके पर प्रेस किया हमने, ये पहली बार ओपन हुआ था, क्रिएट प्रोजेक्ट ई कॉमर्स पोर्टल, तो ये थोड़ी देर का मतलब होल्ड था इसीलिए नहीं आ रहा। तो देखिए विजुअल स्टूडियो के आप अगर जो मेन मेनू देखें, तो ये आपके मेन मेनू है, फाइल है, एडिट है, व्यूज है। आपको पता है विजुअल स्टूडियो वर्ड की नंबर वन आईडी है, इस टाइप की अभी कोई भी आईडी किसी भी टेक्नोलॉजी में अवेलेबल ही नहीं है, कुछ आईडी इसकी कॉपी है, लाइक है एंड्रॉयड स्टूडियो, एटमल स्टूडियो, ठीक है, और ये आपका विजुअल स्टूडियो तो है ही है, इक्लिप्स, ठीक है, ये सारी नेटबीन्स, ये सारी आईडी इसकी कॉपी राइट है, कॉपी की गई लगभग में इस टाइप, ओके। और इसी की वजह से आपको पता है मोस्टली ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो .NET सपोर्ट करता है, बट एट ए टाइम एक ही लैंग्वेज एक्टिव रहेगी विजुअल स्टूडियो पर। आप लैंग्वेजेस तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, बट एट ए टाइम जो आप सेलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज आपकी एक्टिव हो जाएगी, बाकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, डीएक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आप देखिए इस टाइप से आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों में आपका ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर मिलता नहीं है, तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपको अगर जैसे देखिए यहाँ पे नहीं है, कट कर दिया, हमारे नहीं है। अब आपके मैसेज आ गए, पता नहीं सर हमारा कहाँ गया, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, हमें मिल ही नहीं रहा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको व्यूज में जाना है, कहाँ जाना है, व्यूज, तो देखिए ये पर मिल जाएगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये आगे तुरंत खड़ा। तो जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना स्टार्ट करें, तो देखिए MVC का फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो मॉडल इज स्टैंड फॉर मॉडल व्यूज एंड कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स मतलब वी कैन पुट अप मल्टीपल कंट्रोलर्स इन साइड ऑफ दिस फोल्डर। व्यूज, बहुत सारे व्यूज बनाए जा सकते हैं। मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल जोड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, तो देखिए आपका काम कैसे करेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कंट्रोलर काम करेगा, कौन काम करेगा, कंट्रोलर। कंट्रोलर के बाद
ब्यूज, ठीक है। तो पहले ब्यूज, और ब्यूज आपका जो है वो क्या करेगा, वो आपका मॉडल से अगर डेटा लेना है तो तब भी कंट्रोलर कंट्रोल करेगा, और मॉडल से डेटा ब्यूज पे दिखाना है तब भी कंट्रोलर मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये आपके दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, बाकी जो मॉडल है वो डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज किया जाता है, रीड राइट डेटा, रीड राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद देखिए हमने आपको पहले बताया क्या बनेगा, कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर्स फोल्डर पे राइट क्लिक करिए और ऐड पे जाइए, आफ्टर दैट कंट्रोलर। क्या हमने क्या फिर एक बार देख लो, अगर आपका ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पे नहीं आता है तो कहाँ मिलेगा आपको, ब्यूज के अंदर, ठीक है। अब कंट्रोलर्स पे जाइए, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, एक विंडो खुल के आएगी आपके सामने। ये विंडो आपके सामने जब खुलेगी, इसमें आपको बाय डिफॉल्ट देखिए कंट्रोलर का नाम जो होता है डियर वो क्या होता है, होम होता है। देखिए आप एक चीज ये भी लिख लो आप कि पहली बार जब हम लोग कंट्रोलर को ऐड करेंगे, फर्स्ट टाइम वी ऐड कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर, देन इट्स डिफॉल्ट नेम इज होम। इसका डिफॉल्ट नेम क्या होता, होम। अच्छा, इसके बाद पोस्ट फिक्स वर्ड कंट्रोलर लगा होता, होम कंट्रोलर। क्या नाम देंगे, मतलब कंट्रोलर का नेम होम कंट्रोलर रहेगा, ये डिफाइन है होम। और जो ब्यूज होगा उसमें आपका पहला डिफॉल्ट इंडेक्स होगा। अच्छा, ये भी इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हम कंट्रोलर का नाम बदल सकते हैं, एब्सोल्युटली यू कैन चेंज, बदल सकते हैं, बट फिर आपको फिर एक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना होगा। देखिए आप जो आप चेंजेस करेंगे वो कहाँ करना होगा, आपको जाना है कहाँ पे, प्रोजेक्ट में। देखिए कंट्रोलर का नाम हमने आपको बताया होम होता है, इसको कट कर देता थोड़ी देर। तो आपको आना है ऐप स्टार्ट के अंदर, एक फाइल मिलेगी रूट कॉन्फ़िगरेशन, रूटिंग फाइल है, इस पर डबल क्लिक करिए आप, ये फाइल ओपन हो। आप देखिए थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, आप अगर यहाँ पे आए और आप देखिए यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है कंट्रोलर का नाम क्या लिखा है, और एक्शन मतलब ब्यूज का नाम, एक्शन मेथड का नाम क्या है, इंडेक्स। ये ऑटोमेटिक आपका वहां पर जैसे हम लोग कंट्रोलर जोड़ेंगे तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट और इसका नाम इंडेक्स बाय डिफॉल्ट लिखा होगा। तो अगर आपने पहली बार कंट्रोलर जोड़ा और उसका नाम अगर आपने होम नहीं कुछ और दे दिया तो आपको यहाँ पर आकर वो नाम लिखना पड़ेगा। तो ये अपने माइंड से पहली बार सेट कर लो, कंट्रोलर का नाम हम पहली बार होम देंगे, और अगर हम और नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट फिर आपको यहाँ रूट कॉन्फिगर डॉट सी एफ फाइल में चेंजेस करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। चलिए तो अब हम लोग कंट्रोलर जोड़ते हैं भाई, तो यहाँ पे आइए, इसको मैं कट कर देता हूँ और ये चुपचाप बंद रखो। कंट्रोलर्स पे आके राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, विंडो खुली, देखो प्रीफिक्स वर्ड आपका ऑलरेडी है तो डिफॉल्ट वन, कंट्रोलर का नाम एच कैपिटल होम, स्पेस नॉट अलाउड। आपको पता है कि किसी भी टाइप के वेरिएबल, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मेथड का नेम हो, चाहे कोई क्लास का नाम हो, चाहे आपका वेरिएबल का नाम हो, जितनी भी मैक्सिमम यूजर डिफाइंड चीजें होती हैं, स्पेस, स्पेस और सिंबल अंडरस्कोर को छोड़ के नॉट अलाउड, नेमिंग में ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ऐड पर क्लिक किया मैंने और ये होम कंट्रोलर के नाम से आपका पेज जुड़ जाए। तो देखिए इसका पहला जो मेथड है वो डियर आपको अभी इंडेक्स के नाम से बन कर आए, ये देखो आ गया एक्शन मेथड इंडेक्स के नाम, तो आप इसका भी नाम बदल सकते हैं, बट फिर इसकी भी वही प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए आप व्यू जोड़ने जा रहा हूं, तो ये आपका जो मेथड है, देखिए होम कंट्रोलर के नाम से क्लास बन गई और
इसने कंट्रोलर क्लास को क्या किया, इनहेरिट किया है। इनहेरिट का मतलब कंट्रोलर क्लास आपके ये यूजर डिफाइंड होम कंट्रोलर में इनहेरिट हो चुकी है, ठीक है। और कंट्रोलर क्लास है किसके अंदर, ये आपका यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट एमडीसी। देखिए यहां पर आप आए और इस पर राइट क्लिक करिए, इतने के बीच में ये जो इसका पोर्शन है यहां पर, इसके कहीं पर भी बीच में इतने में राइट क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड, बट आपने कहीं अलग राइट क्लिक किया इधर तो मिलेगा ही नहीं। ताकि आप जानते हो विजुअल स्टूडियो पे काम करना बहुत ही आसान है, हमने आपको बताया सबसे नंबर वन आईडी और आपको पता है सबसे इजीली यूजर फ्रेंडली हर चीज। आप अगर आपने जरा सी भी एरर की, जैसे सेमी कॉलन आपसे धोखे फट गया, अब देखो एरर बता रहा, अब आप यहाँ गए तुरंत उसने बताया एक्सपेक्टेड जरूरत है क्यों हटा दिया, है ना। तो आप इसको लगाइए, आप यहाँ गए आपने माना ब्रैकेट हटा दिया, अब देखिए फिर एरर आई, अब यहाँ पर देखिए बता रहा टाइप एक्सपेक्टेड क्या है, समझ ही नहीं पा रहे डेटा टाइप है मेथड है क्या भाई। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत वहां पर रेड लाइट आ जाएगी, बट बाकी आपका हाथ तो पकड़ेगा नहीं भाई, आप लिखते जा रहे हो मान ही नहीं रहे हो उसकी हिंट को, तो इशू आएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे आइए, राइट क्लिक किया मैंने ऐड व्यू, तो आपका जिस नाम का एक्शन नेम होता है, मतलब यहाँ पे अगर आपने यहाँ इंडेक्स नाम दिया है तो ये व्यू का नाम ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाएगा। अब ये मास्टर पेज कह रहा है कि क्या आप मास्टर पेज या लेआउट का चाइल्ड बनाना चाहते हैं, अभी आपको आगे बताऊंगा हाउ वी कैन क्रिएट मास्टर पेज। तो मास्टर पेज हमारे पास है ही नहीं, तो अनचेक कर दीजिए। अब आप इस पे ऐड पर क्लिक करें, तो देखिए ऐड पर क्लिक किया हमने और यहां पे आप जब आएंगे तो देखो ये HTML का, अब आप जानते हो आपकी फेवरेट लैंग्वेज है, जहां पे आप इसको देखते ही खुश हो जाते हैं HTML आगे, वाह भाई नाउ वी कैन क्रिएट फैंटास्टिक पेज, है ना, अट्रैक्टिव पेज हम डिजाइन कर देंगे। तो ये आपके पास में यहाँ पर HTML आ गए। अब यहाँ पे आपको जैसा कुछ डिजाइन करना है बनाना है सारी चीजें आप बना सकते, बट देखिए हमने आपको बताया था कि स्टैटिक फाइलें लाइक एज CSS इमेजेस और आपको JS की फाइलें, ये अगर आपको फाइलें रखनी हैं तो आपको मैं एक फोल्डर का नाम अभी लिखवाया हूँ, कंटेंट फोल्डर का नाम, ठीक है। जितने भी कंटेंट आपके हैं हम लोग कंटेंट फोल्डर में रखते हैं, ठीक है, ये कंटेंट फोल्डर के अंदर रखा जाएगा कंटेंट फोल्डर, ठीक है। तो देखो आप कंटेंट जैसे JS की फाइल CSS की फाइल इमेजेस, तो देखो ये आपके प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में ही मिलेगा, तो ये हमारी प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी ई-कॉमर्स है, इसके अंदर एक्सपेंड किया और ये देखो है कंटेंट है ना। तो ये आपको यहाँ, अब देखो यहाँ पे आए और मैंने थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ और मैंने इसमें एक हेडिंग दे दी वेलकम टू आवर ASP.NET MVC प्रोजेक्ट, वेलकम टू आवर ASP.NET MVC प्रोजेक्ट, ठीक है, MVC प्रोजेक्ट। और उसके बाद में ये एक मैसेज वहां पर आए, देखिए आप रन कैसे करें, सीधे आप ऊपर जाएं और या आपका कोई ब्राउजर अलग सेलेक्ट हो तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्रोम को सेलेक्ट किया हमने और इस पर क्लिक कर दिया। अब ये आपका जो पेज है ये ऑटोमेटिक रन, अच्छा पहले इसका URL कैसे आता है, देखिए आप जब URL देते हैं तो ये जब ब्राउजर पे रन होता है इसको रूटिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका कैसे आता है हाउ वी कैन रन प्रोजेक्ट ऑन ब्राउजर फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। तो आपको पता है जो ब्राउजर सेलेक्ट है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक ऑन सेलेक्टेड ब्राउजर देन प्रोजेक्ट वी रन ऑन रन ऑटोमेटिक,
प्रोजेक्ट विल बी रन ऑटोमेटिक, प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, ठीक है। क्लिक ऑन सिलेक्टेड ब्राउजर देन प्रोजेक्ट विल बी रन ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ब्राउजर पे देखिए दूसरा कोई पेज जब भी हम कॉल करेंगे तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है, मतलब सर्वर नेम लिखा होता है, मतलब हॉस्टिंग, सर्वर हॉस्टिंग, ठीक है, सर्वर नेम, और उसके बाद में फ्लैश, कंट्रोलर नेम फ्लैश, एक्शन नेम फ्लैश, एक्शन। अब देखिए यहां पे आए, जैसे कि अगर आप विजुअल स्टूडियो पे आए, सर्वर नेम का मतलब होता है कि ऑटो में लोकल होस्ट कुछ ऐसे करके लिखा होगा, लोकल होस्ट कॉलन 8080 ऐसा फ्लैश, ये सर्वर नेम है। आपको पता है कि जब हम डोमेन पे होस्ट करते हैं तो हमारा डोमेन का नाम होता है www, जैसे हम technologies.org फ्लैश पेज का नाम है ना ऐसा, तो सर्वर नेम ये जब आपको सिस्टम पर ये लोकल पर रन होता है तो ये हमारा क्या होता है, लोकल। अब उसके बाद में यहाँ पे जाना कंट्रोलर का नेम, तो कंट्रोलर का नेम देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर कंट्रोलर का नेम क्या है, होम, इतना रहता है, कंट्रोलर नहीं जोड़ता, होम कंट्रोलर का नाम। और एक्शन का नाम क्या है, इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप आए तो कंट्रोलर नेम होम, एक्शन का नेम क्या है, इंडेक्स, मतलब ब्राउजर पे आपका जो URL होगा, कॉलिंग होगी पेजों की, वो ऐसे हो, सर्वर नेम स्लैश कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन नेम, ओके। इसको रूटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रूटिंग। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर आपके जो डिफॉल्ट कंट्रोलर नेम होम और इंडेक्स नेम आपका जो एक्शन का नेम इंडेक्स है, अगर ये नाम दिए गए हैं तो आपको फिर ऊपर ब्राउजर पर ये रूटिंग का वो URL देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये इंडेक्स कॉल होगा और होम कंट्रोलर ऑटोमेटिक का, क्योंकि ये सेट है रूट डॉट कॉन्फिगर में, ठीक है। तो आप देखिए ये ब्राउजर पे पेज हमारा रन भी हो रहा हो गया है, अभी जो हम लोगों ने रन किया था, ये देखिए लिखा है लोकल होस्ट और ये कॉलन 22602, ये ऑटोमेटिकली कुछ नाम यहाँ पर जो है वो बन के आया है, तो ये जो अगर कोई नाम हमारा बन के आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, और उसके बाद में हम जो नाम देंगे फ्लैश आपका कंट्रोलर नेम और फ्लैश व्यू का नेम, तो जो हमारा पेज HTML का व्यूज आप जानते हो क्या लेता है, HTML का पार्ट है, तो HTML सेक्शन लेता है, ठीक है ना। अब इतना आपका होने के बाद देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि उसका एक्शन का नाम भी दिया जा सकता है, जैसे आप यहाँ आए और मैंने नाम दिया होम स्लैश इंडेक्स, आप जब इंटर करें तो ये पेज आपका कॉल हो जाएगा, ये आपका हाँ कॉलिंग पेज किया है अलग। आप जब यहाँ देखिए ये रन हो रहा होगा तो आप जब लौट के आएंगे, ये देखो मैसेज आया ना वेलकम टू अवर प्रोजेक्ट, अगर आप इसको डियर हटा भी देंगे ना तब भी ये पेज रन होगा, क्यों, क्योंकि देखिए रन है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके कंट्रोलर का नाम होम और एक्शन का नाम इंडेक्स होता है, बट अगर आप दूसरा पेज बनाए तो फिर आपको वो देना, जब भी आप पहली बार पेज इसको रन करेंगे तो आपका पहला ही पेज का हमें URL में उसके नाम को देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक बार चेक कराता हूँ, दूसरा एक्शन नाम अगर लेता हूँ मैं, ऐसे यहाँ है डिबगिंग ऑफ रखिएगा, विजुअल स्टूडियो पर जब आप काम करें तो डिबग को हर बार आप बंद कर दें, क्योंकि जब हम रन करते हैं तो जब तक प्रोजेक्ट रनिंग में रहता है तब तक कभी कभी चेंजेस को रोकता है। देखिए ऐसे यहाँ आए और दूसरा एक्शन बनाइए, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और हमने नाम दिया अबाउट, क्या नाम दिया भाई, अबाउट, यहाँ आए क्या लिखा, रिटर्न व्हाट आर व्यू। अब देखो एक ऐसे आपको पता कंट्रोलर के अंदर बहुत व्यूज बनाए जा सकते हैं, और जिस नाम का कंट्रोलर होता है उसी नाम से देखिए यहाँ पर फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाता है। इस पेज का एक्सटेंशन क्या है, .cfhtml, क्या नाम है, .cfhtml का मतलब HTML के अंदर भी हम लोग सी शार्प लिख सकते हैं, मैं भी आपको लिख के बताऊंगा, उसका जो स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा आपको, रेजर ब्लॉक की स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ आए। अब देखो उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा अबाउट, राइट क्लिक ऐड, क्या लिखा राइट क्लिक ऐड अबाउट, अबाउट नाम का आपकी बार व्यू जुड़ेगा about.cfhtml। देखिए क्लिक किया हमने और ये जो हमारा पेज जुड़ के आया वो किस नाम से जुड़ के आएगा about.cfhtml। ये देखो जैसे index.html है ये about.cfhtml। अब यहाँ पे आइए आप, इसको ऑफ किया और यहाँ पर मैं ऐसा दे देता हूँ, मैं वेलकम टू मैकाट्रेच टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। ओके फाइन, इसका कलर थोड़ा दे देता हूँ यहाँ पर पेज का, जी जी कलर येलो, येलो ग्रीन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कोई ग्रीन है एट्रीब्यूट मतलब ये अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है तो बाकी ले लेगा उसे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप, फिर अगर डियर आप देखो ये वाला क्या है, होम कंट्रोलर के अंदर एक्शन का नाम क्या है अबाउट, पहले क्या था इंडेक्स। तो आपको हमने बताया है कि ब्राउजर पर अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हैं तो कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन ऐसे पेज कॉल, लेकिन पहली बार आप जब कॉल करेंगे तो डिफॉल्ट ही कॉल होगा। डिफॉल्ट मतलब कंट्रोलर क्या है होम, एक्शन का नाम क्या है इंडेक्स, वो कॉल करो या ना कॉल करो भाई डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहां पर आप आइए और फिर मैं रन करता हूं, पहले पेज कॉल होगा होम वाला लिख के आएगा मैसेज जो उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पेज हमने कॉल किया और रन कर रहा हूं, ठीक है। देखिए आज आपको ये प्रोजेक्ट सब लोग बनाइएगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिएगा, जिन लोगों के पास पहले से पड़े हुए हैं वो लोग आप आराम से प्रोजेक्ट को बनाएं। मैं आपको इस लेक्चर सीरीज में टोटली मिनी प्रोजेक्ट को फिनिश करूंगा, चाहे आपके 10-12-15 लेक्चर जितने भी होंगे आप जुड़िए और आराम से सीखिए, ठीक है। प्रोजेक्ट में इसमें लाइव मॉड्यूल भी हम लोग करवाएंगे अच्छे अच्छे, और जिसमें कि आप लोगों के एक मिनी प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने बनाया है ये भी मिनी है, और इसका यूज करते हुए आप मेजर प्रोजेक्ट जिसमें कई मल्टीपल डोमेन टाइप के आप मॉड्यूल्स को उसमें ऐड कर सकते हैं, ओके ना। तो आपका जब ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए उसके बाद में आप डियर एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में प्रोजेक्ट आप बनाना स्टार्ट करें। देखिए ये रन हो गया, वेलकम टू अवर sp.net MVC प्रोजेक्ट रन हुआ। अब देखिए पहले पेज रन है, हमें अबाउट कॉल करना तो हम क्या लिखेंगे स्लैश, आप ये डिलीट मत कर देना, बहुत सारे लोग सेलेक्ट और मारे एकदम क्लिक करके सेलेक्ट पूरा URL खत्म, ठीक है ऐसा करोगे फिर रन नहीं होगा। तो हम यहाँ आए स्लैश और कंट्रोलर नेम होम स्लैश और एक्शन ड्यू का नाम क्या है अबाउट, प्रेस इंटर, वेलकम टू क्या है वेलकम टू मैकाट्रेच टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो डियर आप इस टाइप से यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पहला पेज कॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंडेक्स लिख दीजिए, पहला पेज कॉल हो गया, ठीक है। इनकी जब हम मीनू देंगे तो आपको पता एंकर टैग में लिखा जाता है ना about.html, contact.html, registration.html, login.html, तो यहाँ पर रूट लिखा जाता है स्लैश कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन ऑटोमेटिक का, देखिए स्लैश कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम लोगों ने देखा कि ESP.NET MVC क्या है, ESP.NET MVC में हम लोग प्रोजेक्ट कितने टाइप के बना सकते हैं, ठीक है कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, उसके बाद में आप रेजर क्या है, ठीक है रेजर की स्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं, ये चीज भी हम लोग यहाँ पर अभी तक नहीं देखे हैं, इसको हम लोग देख रहे थे। जैसे पहले पेज पर आए और हम लोग यहाँ पे रेजर ब्लॉक मैंने यूज किया, देखिए रेजर ब्लॉक के लिए आपको ऐट द रेट और ये स्क्रिप्ट है, यहाँ सी फार्म लिख सकते हैं, इसका एक्सटेंशन देखिए लिखा है ना .cfhtml, cf का मतलब सी फार्म, html के अंदर सी फार्म लिख सकते हैं, जैसे आया फॉर और मैंने लिखा इंटीजर टाइप का i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन r इज इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, बताओ अगर ये लूप है कितनी बार चलेगा 1 से लेकर 10 टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक हेडिंग दे दी वेलकम
या मैंने ऐसे लिख दिया हेलो मैका ड्रेस, हेलो मैका ड्रेस टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है 10 times ये स्टेटमेंट रिपीट होगा। कौन सा स्टेटमेंट? हेडिंग। और 10 हेडिंग में लिखकर आएगा हेलो मैका ड्रेस टेक्नोलॉजी, हेलो मैका ड्रेस टेक्नोलॉजी। ओके ना, फाइन। चलिए सेव किया और रिफ्रेश करिए। आप देखिए ये पेज आपका किस पे? इंडेक्स वाले। देखिए हम यहाँ आए और मैंने लिखा इंडेक्स, तो पहले तो हेडिंग आएगी वहां पर। देखो 10 times लिखकर आया हेलो मैका ड्रेस टेक्नोलॉजी, हेलो मैका ड्रेस टेक्नोलॉजी आ गया। डियर हम HTML के अंदर भी सी शार्प लिख सकते हैं, तो ये CF.HTML है, इसका इसलिए एक्सटेंशन है CF.HTML। ठीक है, तो आपको ये भी ये रेजर ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजर ब्लॉक। आप देखिए ऊपर भी कुछ सिंटेक्स पहले से लिखा है, लेआउट नल, मतलब वहां से कोई वैल्यू आप चाहते हैं लेआउट कॉल नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट नल है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप कोई लेआउट मास्टर पेज चाइल्ड होता तो उसका URL दिया जाता है। ये चीजें आगे की हैं। तो डियर हम लोग अब क्या करते हैं कि आगे जो आपका प्रोजेक्ट है, जैसे कि अभी हम लोगों ने केवल कंट्रोलर कैसे जोड़ते हैं, व्यूज ऑटोमेटिक आप जोड़ोगे तो उस नाम का फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट आपका कंट्रोलर का नाम क्या होता है? होम होता है। किस डायरेक्टरी के अंदर हम कौन कौन सी फाइलें रख सकते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको ऊपर सारी डेमोस्ट्रेट की हैं। ठीक है, ये कंट्रोलर क्या है, व्यूज क्या है, मॉडल क्या है, क्या क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, आप प्रोजेक्ट को लेंगे कैसे, उसके बाद में आप यहाँ पर ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, कंट्रोलर, व्यू, मॉडल, और आपका डिफॉल्ट कंट्रोलर का नाम क्या है, व्यूज का क्या नाम है, प्रोजेक्ट को आप रन करेंगे तो ब्राउजर पर दिखता कैसे। कल इनकी नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग आपको डालेंगे इस लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन इम्पोर्ट बूटस्ट्रैप विद ASP.NET, और उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्सिव पेज क्रिएट करेंगे। देन आपको इसी कॉमर्स प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, और आफ्टर दैट आप भी लोग साथ साथ इसको बनाएं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है इसमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप जो है हमसे पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई एरर वगैरह आपकी आती है, कोई दिक्कत है। तो आज के लिए इतने रखता हूँ, और ये आप लोग जो है ब्राउजर पे ये सारी चीज़ें आप लोग जो डियर है वो रन करा के जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यूज कैसे कॉल किए जाते हैं और ये किस टाइप से काम करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतने रखता हूँ। बाकी आप लोग जो इस लेक्चर सीरीज में सारी टेक्नोलॉजी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसे इंजॉय करें और आप प्रोग्रामिंग करिए। ठीक है, मैका ट्रेस टेक्नोलॉजी के साथ सारे लोग जुड़े। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।